अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, जिन दोस्तों ने वो पार्ट नहीं देखे तो चैनल पर जाकर उसे भी देख लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है, 2 men or 3 women कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 23 days। 2 men या 3 women किसी काम को 23 दिन में कम्प्लीट करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज 5 men and 4 women टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो कितने दिनों में 5 men and 4 women टुगेदर एक साथ उस काम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो क्वेश्चन को दोबारा देख ले। क्वेश्चन का मतलब है 2 men or 3 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 23 days। 2 men या 3 women किसी काम को 23 दिन में कंप्लीट करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज 5 men and 4 women टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो कितने दिनों में 5 आदमी और 4 औरतें एक साथ उस काम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये था क्वेश्चन। तो इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय मेन एंड डिवाइडेड बाय आर प्लस वुमेन एंड डिवाइडेड बाय आर। इस फॉर्मूला के जरिए आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर देख रहे नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 23 days है। तो यहाँ पर 23 लिख रहे, डिवाइडेड बाई मेन एंड आर। तो मेन एंड कितना है, एंड में 5 men आते हैं, ठीक है, यहाँ पर है ना 5 men and 4 women, तो 5 यहाँ पर लिख ले, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर है, तो आर में कितने मेन है, 2, 2 men or 3 women, तो यहाँ पर 2 लिख ले। प्लस वुमेन एंड, वुमेन का एंड कितना है, 4 women, ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख ले। डिवाइडेड बाय आर, आर 3 women, तो यहाँ पर 3 लिख ले, 3 women 4/3 आता है। तो इसको सॉल्व कर ले, 23 अपनी जगह और 2 और 3 का एलसीएम निकाले तो वो आता है 6 और 5 3 15 आता है और 4 2 8 आता है, 15 + 8 डिवाइडेड बाय 6। तो 23 अपनी जगह, ऊपर जो 23 था, 15 + 8 से आता है 23 और 6 अपनी जगह डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर 23 / 23 / 6 आता है। तो इस 6 को अगर हम ऊपर ले जाए तो यहाँ पर जो ये डिवाइड है ये ख़त्म हो जाएगा। तो डिवाइड ख़त्म हो जाएगा तो इससे बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो 23 × 6, ठीक है, तो ये 6 ऊपर आ गया, इस 23 के साथ आ गया। तो 23 × 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 23 यहाँ पर बच गया था, तो ये 23 यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 23 और इस 23 को आपस में कट कर ले, ठीक है, 23 23 आपस में कट हो गया तो बच गया हमारे पास 6। तो इसका आंसर है 6 days। तो जो 5 men और 4 women थे तो ये 7 में इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो इस सिंपल तरीके से आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो क्वेश्चन है, 3 men or 4 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। देन इन हाउ मेनी डेज 6 men and 3 women टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। और जिसको इस क्वेश्चन की समझ नहीं ना आई हो तो मुझे कमेंट्स करके बताए, तो इंशाल्लाह उसको मैं दोबारा समझा दूंगा इस क्वेश्चन का जो तरीका है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।